हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं एक नई जर्नी पे हूँ, फॉरबिसगंज टू आनंद विहार। तो आइए देखते हैं मेरे साथ। ये अपनी सीट। दोस्तों, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी, बट क्या ही बोलूँ, मेरी फीलिंग बिल्कुल टूट गई, क्योंकि तकरीबन तीन साल के बाद या चार साल के बाद 2018-19 में शायद मैं इसमें बैठा हुआ था, इस ट्रेन में। तब सेम था, अब भी सेम ही है। दोस्तों, काफ़ी कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, नॉर्मली है सब कुछ। और चलिए बन जाइए, ट्रेन अपनी स्पीड में है, 60-50 की स्पीड होगा, शायद से क्या होगा। ये अपनी ट्रेन दोस्तों, और ये कटिहार जंक्शन है, और काफ़ी बिजी जंक्शन भी एक तरह से देख, वो आप मेरे भीड़ से देख ही रहे होंगे। और अभी हम लोग को यहाँ पे आधे घंटे का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लिंक ट्रेन है, इसमें एक राधिकापुर से एक और ट्रेन आएगी और वो जुड़ेगी, तब ये चलेगी। दोस्तों, 30 रुपये का कमाल। तो अभी हमारी ट्रेन, ये हम पाटलिपुत्र जंक्शन पे हैं और यहाँ पे खड़ी है गाड़ी। ऑन टाइम थी, ऑन टाइम क्या, ज़्यादा ही थी, आधा घंटा आउटर में खड़ी थी ट्रेन। और ये देखिए कुछ नज़ारे। दोस्तों, कॉफ़ी से सुबह के स्टार्ट करते हैं, तो आइए कॉफ़ी पीते हैं। सुबह सुबह के नज़ारे कुछ अलग होते हैं। दोस्तों, हम पाटलिपुत्र को छोड़ते हुए कौन सा है आपका, कौन सा है? B1 आ गया। पाटलिपुत्र ही समझ लीजिए, पटना जंक्शन में हो गया पाटलिपुत्र। दोस्तों, साफ सफाई के मामले में बहुत ही घटिया है, तो आप किससे देख सकते हैं और इससे देख सकते हैं कितना घटिया है। और पास नहीं है इस ट्रेन में, और क्या ही बोलूँ, बस ये है कि टाइम भी चल रही है, जो इस ट्रेन की हालत नहीं है ऐसा।